नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, कौन से क्षेत्रों पर शुभ प्रभाव होगा, कौन से क्षेत्रों पर अशुभ प्रभाव होगा, संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि। हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और शुक्र ग्रह लग्जरीस लाइफ के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वभाव बहुत ही शांत होता है, ये निष्ठावादी होते हैं और सबको मिलजुल कर लेकर के चलने वाले होते हैं। वृषभ राशि वाले लग्जरीस लाइफ जीने को करते हैं और इनको लग्जरीस लाइफ पसंद होती है। जीवन में भौतिक सुख भी प्राप्त करते हैं और भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं। शुक्र भौतिक सुखों के कारक है और शुक्र यदि अच्छे हो तो पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्रदान करने का काम करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 की जो शुरुआत हो रही है वो राजयोग से शुरुआत हो रही है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे जनवरी के महीने में और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि बुध के साथ शुक्र की युति रहेगी और बुध शुक्र दोनों मिल करके लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। तो वर्ष का जो प्रारंभ हो रहा है वो राजयोग से प्रारंभ हो रहा है। वर्ष 2024 में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। वर्ष 2024 बहुत ही शानदार रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण राजयोग धन देता है, सुख सुविधाएं देता है, भौतिक सुख देता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन का सुख देने का काम करता है। शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार से, राशि के अनुसार से लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है। इस कारण से स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी और शुरुआत से ही धन प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करोगे, कर्म करोगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। पंचम भाव के मालिक आपके बुध हैं और बुध भी जनवरी के महीने में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और जनवरी के महीने में तो लव लाइफ में बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। पार्टनर आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों के अंदर जो मिलन का भाव है, प्रेम का जो भाव है वो ऊंचाइयों तक जाएगा और सक्सेस रहने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का होता है। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं। देखा जाए तो बुध सप्तम भाव में व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो शुरुआती 2024 जनवरी से ही जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही शानदार बीतने वाला है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दोनों ग्रह बुध और शुक्र का गोचर रहेगा तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, कंप्रोमाइज आप करेंगे और व्यापार की स्थिति में मजबूती मिलेगी, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम दोनों ही ग्रह बुध और शुक्र करने वाले हैं। आपकी कुंडली में भाग्येश आपके शनि सस नामक राजयोग 2024 में बनाएंगे और पूरे वर्ष भर ये राजयोग आपको लाभ देने का काम करेगा। सस नामक राजयोग पंच महापुरुष में से एक राजयोग होता है जो कि शनि के द्वारा बनता है
और शनि कर्म के भाव में गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में, तो पूरे वर्ष भर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आपकी नौकरी में तरक्की देने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि दो दो राजयोग यहाँ पर शनि बना रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग और सस नामक राजयोग, दो दो राजयोग शनि के द्वारा बन रहे हैं, इस कारण से पूरे वर्ष भर शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। गुरु की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो 12वें भाव में गुरु का गोचर होगा। 12वें भाव में गुरु मई के महीने तक, 1 मई 2024 तक गोचर करेंगे। यहां पर गुरु आपको मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन 1 मई 2024 के बाद बहुत ही शानदार रिजल्ट गुरु आपको देने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी राशि में आ जाएंगे। 1 मई 2024 को गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और जब वृषभ राशि में लगन भाव में आ जाएंगे तो यहां पर जबरदस्त नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और बड़े कार्यों के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। अब गुरु आपकी राशि में मई 2024 से जब गोचर करेंगे तो पंचम भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, पांचवी दृष्टि, शिक्षा के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा, विदेश जा सकते हो शिक्षा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी समय बहुत अच्छा है और लव लाइफ के लिए भी समय बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति में भी जबरदस्त लाभ देने का काम 1 मई 2024 के बाद गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। 1 मई 2024 को जब गुरु लगन भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, तो समझ जाइए कि विवाह का योग बनेगा। जिन लोगों का विवाह का योग नहीं बन रहा था तो विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक माने जाते हैं। गुरु धन के कारक हैं, गुरु विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, फाइनेंशियल स्थिति के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, इसलिए गुरु का मजबूत होना, गुरु का शुभ होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और गुरु 1 मई 2024 से आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से बहुत ही मजबूत होने वाले हैं, इस कारण से धन में वृद्धि करेंगे। विवाह के कारक है तो विवाह के लिए अच्छा योग बनाएंगे, संतान के कारक है तो संतान देने का काम करेंगे, या फिर संतान में कोई चिंता है, परेशानियां है तो उसको दूर करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम मई 2024 से गुरु करने वाले हैं। गुरु की नवम भाव में नवम दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और कैरियर के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो गुरु आपको पूरे वर्ष भर बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन जनवरी से मई तक गुरु मिले जुले परिणाम देने का काम करेगा, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देगा, और मई के बाद दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम गुरु आपकी कुंडली के अनुसार से, गोचर कुंडली के अनुसार से, राशि के अनुसार से देने का काम करेंगे। आपका भाग्य बहुत साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी और 2024-2023 के बदौलत बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लेकिन आप अपने राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करके ही चलें, क्योंकि शुक्र यदि आपका मजबूत रहेगा तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे और भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन का सुख देने का काम करेंगे। लग्जरीज लाइफ के कारक ग्रह शुक्र होते हैं और जनवरी के महीने से मजबूत स्थिति में रहेंगे, और यदि मजबूत करना है तो ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करेंगे तो शुक्र मजबूत होगा और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893